ये क्वेश्चन हमारा है एएमयू एंट्रेंस एग्जाम 11th क्लास मैथमेटिक्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2017-18 में पूछा गया है। क्वेश्चन है रेशनल फॉर्म ऑफ 0.01 बार इज 1/99, 1/199, 1/999 एंड 1/111। बिल्कुल ज़ुबानी है, देखिए बता दे रहा हूँ इसका आंसर है, इसका आंसर तो बता दे रहा हूँ मैं कि थर्ड पार्ट सही है, इज करेक्ट। अरे 0.01001 इज इक्वल टू दैट इज 0.001 इज इक्वल टू 1/991। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस सेकंडों में आपका आंसर आ गया, लेकिन सेकंडों में आंसर आ गया ये तभी हो सकता है, ये वही स्टूडेंट सेकंडों में लगा सकते हैं जिन्होंने 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया है। और मैं आपको बता दूं 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन एएमयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर 11th क्लास और डिप्लोमा इंजीनियरिंग बिल्कुल रखा हुआ फिक्स हमेशा आता है, तो आपका एक नंबर का फ्री है, बस शर्त है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब जो बच्चे कह सकते हैं कि सर अच्छे से कैसे समझ लें, तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पर हमने वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल बना रखी है, उसका थियोरी और प्लस एक्सरसाइज का सलूशन दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर जा करके अच्छे से उसकी स्टडी कर लीजिए, तो एक नंबर आपका फ्री मिल जाएगा, बल्कि एक नहीं दो मिलेगा, क्योंकि उसी चैप्टर में सर्ड पर यानी इरेशनलिटी पर रेशनलाइजेशन पर भी एक क्वेश्चन आता है, समझे, दो क्वेश्चन फिक्स है इसमें से, आपका दो क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और दो क्वेश्चन क्या आधा मिनट के अंदर आ जाएगा आपका, क्योंकि आप जानते हो कि एक मिनट से कम टाइम अगर दोगे तभी तो पेपर आपका सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा, ये तो आधा मिनट क्या सेकंडों में आपका आंसर मिल जाता है, बस शर्त है कि आपको जो है अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसका डिटेल मैंने तो बता दिया कि आंसर ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, इस पर आते हैं हम। अब देखिए 0.001 इस पर बार लगा हुआ है, ये देखो डेसिमल नंबर है, अब डेसिमल नंबर जो है तीन तरह का होता है, डेसिमल नंबर ये मेन रूप से दो तरह का होता है, रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग, वेरी सॉरी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दूसरा होता है, और ये दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये चार्ट आपको याद रखना है। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब किसी नंबर को किसी नंबर से आप डिवाइड कर दो रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे 1/2 = 0.5, 1/2 डिवाइड करोगे तो 2 × 5 = 10, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो 0.5 क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर जीरो ना आए, जैसे 1/3 = 0.3333 ... ऐसे, तो जब थ्री का रिपीटेशन हो रहा है, थ्री बार बार आ रहा है,
इसको लिखेंगे 0.3 bar, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही 0.001 आया है, 0.001 आया है, इसका मतलब कि 0.001 रिपीट कर रहा बार बार, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब इसको हमको क्या करना है, पी अकान क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है क्या है, रेशनल नंबर है, ये सब क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, पी अपान क्यू के फॉर्म में है, लेकिन यह किसके बराबर होगा। इसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि अगर एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो एक बार हटाने के लिए ये ऐसे हो जाएगा 3/9। अगर दो डिजिट पर बार लगा हुआ है तो बार जब हटाओगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है, 001 पर, तो बार जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3999999। देयरफॉर 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999 के। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गया। तो अगर इस दो डिजिट पर बार होता तो 1/99, अब देखिए अगर ऐसे होता 0.25 ऐसे, तो दिस इज इक्वल टू 25/99। अगर फोर डिजिट पर होता, इस पर फोर डिजिट पर, तो वो डिजिट हटाओगे तो उतनी बार जो है 9999 हो जाएगा। क्लियर।